अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आई होप आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम इफ़िकर लाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी मरी मार रोड पे, और मरी मार रोड के ताज़ा तरीन मनाजर आपके सामने शो कर रहा हूँ जी लाइव। मतलब अभी वीडियो बनाई है और अभी पोस्ट कर रहे हैं जी, और देख सकते हैं आप इस टाइम जो है कि रश के हवाले से, आज वीकेंड है, वीकेंड में देख सकते हैं जी रश माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। जो स्नोफॉल हुई है, स्नोफॉल के हवाले से लोग आए हुए हैं, और दिन को जो गलियात वाली साइड भी ये निकले हैं, और अभी जो है कि रात को मरी में वापस आ चुके हैं। और मरी में देख सकते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है, और अगर जो आप अभी तक नहीं आए, अगर ये स्नोफॉल देखना चाह रहे हैं तो काइंडली मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप आएँ, इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाएगी, अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आपके पास पहुँचे, और आप अपडेट्स सुन के आप अपने नथिया गली साइड, गलियात वाली साइड, मरी वाली साइड आ सकें। तो दोस्तों देखें जी, सबसे पहले बात करना चाहूँगी, मैंने दिन को भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जी चांसेस हैं 70% चांसेस हैं स्नोफॉल के। क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ, देखें जी नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें जी, नरान, कगान, कलाम, स्वात वाली साइड पे देखें तो ये वेनसडे से स्नोफॉल स्टार्ट है, 4 दिन के लिए स्नोफॉल उधर स्टार्ट है। और इधर का मौसम देखा जाए तो तकरीबन 7 to 8 माइनस है, -8 जब होता है तो ये 100% तो नहीं कह सकते, 70% कह सकते हैं कि स्नोफॉल के चांसेस हो जाते हैं काफ़ी। मैं आपको बताऊं कि बादल छाए हुए हैं और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, लेकिन ये हैं वेनसडे या जुमरात या जुमा हफ्ता को ये जो है कि स्नोफॉल हो सकती है। अगर जब अभी तक नहीं आए तो अगर जब आपने ज़्यादा स्नोफॉल देखनी है तो काइंडली आप इस तरह करें, देखें जनवरी के मिड में आ जाएँ। जनवरी के मिड में आपको ये होगा कि जनवरी के 10 तारीख के बाद बाद आप अगर आना चाह रहे हैं आएँ। आपको मरी इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी मार रोड पर खड़ा हूँ, देखें जी ये उस्मानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्नोफॉल मिल सकती है। अगर अभी आप आना चाह रहे हैं तो आपको शादर नादर मतलब गलियात वाली साइड पे, जहाँ से डूंगा गली या नथिया गली वाली साइड पे आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, वो भी 70% 30% में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अल्लाह के काम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें ऐसे खड़े खड़े स्नोफॉल हो जाती है, पता भी नहीं चलता, धूप निकली होती है, स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ सेकेंड कुछ मिनट के लिए होती है वो भी। तो काइंडली आप इस तरह करें, अगर जो आपने ज़्यादा स्नोफॉल देखनी है, अगर जो आपने ज़्यादा इंजॉय करना है और आना ही है आपने, तो आप इस तरह करें, थोड़ा सा वेट कर लें, 1 मंथ वेट कर लें, 1 मंथ भी ना करें, कुछ 20 दिन वेट कर लें, 20 दिन के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी इधर, हमें यकीन है, क्योंकि ये मौसम है स्नोफॉल का और स्नोफॉल होती ही है इसी टाइम। अभी देखें जी रश की बात की जाए तो रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड की छुट्टी होती है, तो छुट्टी में ये होता है कि मरी मार और छका छक भरा हुआ होता है। आज भी इसी तरह ये देख सकते हैं जी, इस टाइम मैं उस्मानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे से गुजर रहा हूँ, और अभी देख सकते हैं काफ़ी रश है। और साइड एरिया में भी अभी लेकर चलूँगा आपको, जहाँ की मैंने इंट्रो चलाई है वीडियो की, जहाँ पे आई लव मरी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लेकर चलूँगा, वहाँ भी देखते हैं साइड एरियाज़ में भी काफ़ी रश है। और यहाँ पे देखें जी कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी की काफ़ी सारी मशीनें वगैरह लगी हैं, और आज इनका कारोबार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और आप भी कभी आए हैं तो इधर से कॉफ़ी पिए तो मुझे ज़रूर एक दफ़ा कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको। और दूसरी बात, आपको खाने की जो कहते हैं जी मरी में खाना काफ़ी अच्छा नहीं मिलता या ये वो, काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। देखें जी मैं आपको एक मेरी तरफ़ से एक रेस्टोरेंट आप जाएं वहाँ पे आप एक दफ़ा ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आगे कि कैसा लगा खाना। उस्मानिया रेस्टोरेंट में जाएं, उस्मानिया रेस्टोरेंट में देखें जी किसी एक बंदे का नाम ले लें, किसी मैं आपको बता देता हूँ जी, देखें अगर जो आप आबद साहब के पास डायरेक्ट जाते हैं, रिसेप्शन पर बैठे होंगे आबद साहब, डायरेक्ट जाते हैं उनको बोलें, इंशाल्लाह अज़ीज़ उनको उनका नाम लेके मुखातब होंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो आपके साथ बड़ा तामन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त खाना प्रोवाइड करेंगे। शेफ़्स की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शेफ्स हैं उधर, और बहुत ज़बरदस्त खाना प्रोवाइड करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस उधर का रहा है कुछ अर्से का। तो उसके बाद ये देखें जी अभी मैं साइड एरियाज पे आ चुका हूँ, यहाँ पे फोर्स कैंट कैंट एरिया सारा, और देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और दिन को ये सारी जितने भी लोग थे ये दिन को सब स्नोफॉल देखने गए हुए थे नथिया गली वाली साइड पर। नथिया गली में आज बहुत ज़्यादा रश थी, मदद के साथ आज उधर की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, वीडियो पड़ी हुई थी लेकिन अपलोड नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे माजर चाहता हूँ। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल जो वीडियो आएगी वो नथिया गली वाली साइड की आएगी, इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी आपको स्नो दिखाऊंगा कितनी कितनी है अभी, कितनी पड़ी हुई है, कितनी रह गई है, और क्या हिसाब किताब है, इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो उधर की आपको शेयर करूंगा। ये अभी मैं मौजूद हूँ जी टेंट एरिया मरी में, और देख सकते हैं आप इधर भी काफ़ी माशाल्लाह रश है, क्योंकि इधर रश नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा साइड एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज होती हैं, लेकिन मार रोड पे ज़्यादा इंजॉय वाला सिस्टम, मार रोड टीपीओ चौक या इस तरफ ही होता है, लेकिन दिन को इधर बड़ी काफ़ी दुनिया आती है। लेकिन इधर मैं एक चीज़ आपको एक और चीज़ बता दूँ, इधर आगे वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कैफे बना हुआ गिलास का, बिल्कुल ऊपर छत भी गिलास की और वॉल्स भी इसकी गिलास की, यहाँ पे भी एक दफ़ा आकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप सिंचाएंगे, इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।
आशी।